केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं किसी साल से? पिछले साल से मैं कई साल से मैम आई टी दिल्ली के हैं और मैम ने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा मैं 10 के स्ट्राइक रेट से रोज क्वेश्चन पूछता था और मैम 11 के स्ट्राइक रेट से आंसर देती थी। तो मैम बताएंगी बच्चों को आई टी जी की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? हाँ। नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अब बहुत सी बात है, करियर अंदर से आएगा, अंदर से आएगा। सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में, और अब आज के टाइम में तो हर जगह ही IITians भरे पड़े हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, कुछ भी हो। जैसे आपने पहले मतलब केमिस्ट्री से BS किया और अब केमिस्ट्री से IIT दिल्ली से किया? मैंने पहले ग्रेजुएशन किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर मैंने IIT दिल्ली से मास्टर्स किया इन केमिस्ट्री, और फिर आप कई साल से ये कोटा और जयपुर में पढ़ा। हाँ, तो आपने कभी सोचा था मैं आपका इंटरव्यू लूंगा? That was not the original question. कपिल शर्मा का question है। हाँ, ये मैंने बहुत सुना था। साफ के लाया। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा अश्विनी कि तुमने इंटरव्यू लिया, और आई एम वेरी ग्लैड कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। आपको तो सबसे ज्यादा पता है मेरे कैसे क्या चला था। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रेस रहते थे हर चीज को लेके, बहुत भयंकर। और अभी खुशी भी है तुम्हें देख के कि तुम इतने खुश हो और IIT बॉम्बे जा रहे हो, मतलब टॉप कॉलेज टॉप रैंक सब मिल रहा है। बिल्कुल, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन एंड डू योर बेस्ट। जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? जो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ जितनी हो सके उतनी इंजॉय करो, क्योंकि ये 4 साल वापस नहीं आएंगे, किसी भी हालत में वापस नहीं आएंगे। तो इन 4 साल में जितना हो सके उतनी मस्ती करो, कॉलेज कैंपस घूमो, कॉलेज में जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो करो, और फिर बाहर भी जाओ। जैसे अगर तुम बॉम्बे में हो तो बॉम्बे घूमो, उसके आसपास का एरिया घूमो। मैं ये नहीं बोलूँगी पढ़ो, पढ़ लेना, ग्रेड बन ही जाएंगे, जितना मिनिमम चाहिए उतना ग्रेड बना के चलो, उतना काफ़ी है, और वही लाइफ है। चलिए डन करते हैं, चलिए यहीं डन करते हैं।